तो हम जल जंगल और जमीन की धरती हैं, और इस जल जंगल जमीन की असली पूंजी जो है वो यहाँ के लोग हैं। यहाँ के लोगों के लिए ही सारी व्यवस्था है। आज एक ऐसे ही शख्स का जन्मदिन है जिसने इस जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है। और शायद जब जब झारखंड का जिक्र होगा तो झारखंड के बाद अगर सबसे पहला जिक्र किसी का होगा तो वो शिबू सोरेन का होगा। हम जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इस जमीन की लड़ाई को लड़ते वक्त हमारे जहन में हर वक्त दिशोम गुरु शिबू सोरेन हमेशा रहते हैं। तो जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। गुरुजी के आवास पर सुबह से बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मिथिलेश ठाकुर, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे, महुआ मांझी समेत सैकड़ों लोगों ने आवास पर पहुंचकर शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी। झारखंड के प्रसिद्ध गायक मधु मंसूरी भी आवास पहुंचकर गुरुजी को बधाई देते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए गुरुजी के जन्मदिन पर। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर केक काटा। शिबू सोरेन 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन, छोटे पुत्र बसंत सोरेन, बड़ी बहू सीता सोरेन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की परमेश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। शिबू सोरेन के आवास पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और खुद सीएम हेमंत सोरेन लोगों का स्वागत करते नजर आए। पार्टी सुप्रीमो झारखंड के निर्माता मेरे पूज्य पिताजी आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी का जन्मदिन है, और हर साल की भांति इस साल भी उनको बधाई देने के लिए कार्यकर्ता, विधायक, सभी लोग लगातार सुबह से आ रहे हैं। आज ये इनका 77वां जन्म दिवस है, और हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत, इस राज के लिए एक ऐसे शख्स का जन्म दिवस मनाया जा रहा है जो मुझे लगता है जब तक झारखंड रहेगा, देश दुनिया रहेगी, इनके जयंती दिवस मनाते रहेंगे। शिबू सोरेन ने 77 पाउंड का केक काटा। मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर, विधायक मथुरा महतो, विधायक सीता सोरेन, विधायक बसंत सोरेन और अन्य उपस्थित रहे। तो पिता है ही और झारखंड के निर्माता भी हैं। निश्चित रूप से आज हम सब लोग इनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। इस अवसर पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को बधाई देने मधु मंसूरी भी पहुंचे और अपने गीतों से शिबू सोरेन को जन्मदिन की शुभकामना दी। अरे उमड़ा लना दिया से कर दे ले पार मुके जीनी गानी तो के जन्म जो है रे दे मोर जीनी गानी तो के जन्म जो है रे दे मोर जीनी गानी दिले झकमा का रूपा से
सिंगार देले हीरा के तन देले मोती के मन देले सुख संसार उमड़ाल नदिया से कर देले पार मुके जी निगानी जी निगानी। न्यूज 11 भारत भी दिशोम गुरु को उनके जन्मदिन पर शुभकामना देता है और उनके लंबी उम्र की कामना करता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। दिशोम गुरु शिबू सोरेन 77 साल के हो गए। झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन से लेकर महाजनी प्रथा और सूदखोरी खत्म करने को लेकर गुरुजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनके जन्मदिन के अवसर पर राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में गुरुजी के संघर्ष पर लिखी गई 3 किताबों का लोकार्पण सीएम हेमंत सोरेन ने किया। ये किताबें पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखी गई हैं। किताबों का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा है। झारखंड के राज्यसभा सांसद सह झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन का जन्मदिन है। शिबू सोरेन जिन्हें लोग दिशोम गुरु और गुरुजी के नाम से अधिक जानते हैं। गुरुजी 77 साल के हो गए। झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन से लेकर महाजनी प्रथा और सूदखोरी खत्म करने को लेकर गुरुजी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनके जन्मदिन के अवसर पर राजधानी रांची के आर्यभट्ट सभागार में गुरुजी के संघर्ष पर लिखी गई 3 किताबों का लोकार्पण सीएम हेमंत सोरेन ने किया। ये किताबें पत्रकार अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखी गई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन हिंदी में है, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन अंग्रेजी में और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा कॉमिक्स बुक है। तो सपने कुछ जरूर हुए हैं, लेकिन इसका लाभ अभी तक गांव में गांव के जो गरीब आदमी हमारे हैं, विशेष करके आदिवासी लोग जो मेहनत करके खेती करके थोड़ा बहुत खेती करके जंगल के सहारे जीते हैं, वो आदमी लोग आज भी कहो बस पहले के तरह ही सोचित हैं प्रकृत हैं। लेकिन एक बात की जरूर है, यह जो शोषण उनके सामने हो रहा था महाजनी से ज्यादा, मैंने जो भी खेती करे वो महाजन का होगा, चाहे वो अपना खेत करे या दूसरे खेत करे, यार खेती से महाजन का है। इन किताबों के लोकार्पण के दौरान सीएम हेमंत सोरेन भावुक नजर आए और उनके संवाद में भी ये भावुकता नजर आई। बहुत लोगों के तो बहुत महापुरुषों के तो बहुत फोटोग्राफ भी आपको उनके संघर्ष के इतिहास के दिखेंगे, नहीं तो कुछ काल्पनिक चित्र भी बना करके आपके सामने वास्तविक दृश्य दिखाने का प्रयास किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि हमारा इतिहास ऐसा है। लेकिन इस राज्य में और इस राज्य के लोगों का मुझे जो लगता है, जो संघर्ष करने का शैली रहा है और जिसमें इनको जो ज्ञान था, जिसमें इनकी उनकी दक्षता थी, उसको उन लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन किया और वो जंग लड़ी और जंग का उन लोगों ने जंग को जीतने का लगा। कागज में पन्नों में क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं, क्योंकि बेचारे उस चीज में उनकी दक्षता नहीं। लेकिन मैं मोटा मोटी यही समझता हूं कि जो लोग यहां अपना जीवन काल समाज के बीच में रखते हैं और
और समाज के बीच निरंतर अपने कार्यकलापों को अंजाम देते हैं, उन कार्यकलापों को समाज, बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक, काफी विद्वान लोग उसको बहुत गंभीरता से याद करते हैं। इस किताब को लिखने वाले पत्रकार अनुज सिन्हा भी इस किताब के लोकार्पण पर काफी खुश दिखे और सभी को धन्यवाद दिया। में गए, वहां गए, फिर परमा में जाकर संघर्ष किया, परमा में कैसे आते हैं वो सब दिख रहे हैं। तो ये सब चित्रों के माध्यम से है, उनके पॉलिटिकल जो जीवन है उसका भी है, लेकिन मूल जो चीज है वो ये है, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, उसका निचोड़ ये है, असली शिबू सोरेन से देश को परिचित कराना। शिबू सोरेन है कौन? देशोम गुरु का जीवन संघर्षों की कहानी है और संघर्षों पर जीत की दास्तां है, हर झारखंडवासी के लिए एक प्रेरणा है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देशम गुरु शिबू सोरेन अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं आज, शुभकामनाएं हर तरफ से मिल रही हैं। हम आपको आज दिखाते हैं उनका जीवन परिचय कि आखिर शिबू सोरेन गुरु जी क्यों हैं, देशम गुरु क्यों है, ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के गुरुत्वाकर्षण गुरुजी, देशम गुरु, जेएमएम सुप्रीमो, आप किसी भी नाम से बुलाएं, झारखंड के लिए इनमें से कोई भी नाम अनजाना नहीं है। संभव है आज के वक्त में झारखंड को देश में पहचान दिलाने वाली कई चीजें हैं, पर आज भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का कोई सबसे सशक्त हस्ताक्षर है तो वो शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन 11 जनवरी को रामगढ़ के नेमरा में जन्मे। 1970 में सोरेन ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई कैंपेन चलाए जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने साल 1975 में बाहरी लोगों को बाहर निकालने के लिए भी एक मुहिम चलाई। वे पहली बार 1977 के लोकसभा चुनाव में खड़े हुए। उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। साल 1977 में टुंडी विधानसभा में चुनाव हारने के बाद भी सोरेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूर्ण रूप से संथाल परगना को अपनी कर्मभूमि बनाकर झारखंड अलग राज निर्माण के आंदोलन का अलग जगाना शुरू कर दिया। 1980 में मध्यावधि चुनाव में दुमका लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने के बाद समूचे देश में अलग झारखंड राज निर्माण के मुद्दे को स्थापित करने में सफल हुए। वर्ष 1980 में विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना के 18 में से 9 सीटों पर झामुमो के प्रत्याशियों के निर्वाचित होने से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई। हालांकि 1984 के लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन दुमका में कांग्रेस के पृथ्वी चंद्र किस्कू से पराजित हो गए, लेकिन 1985 में हुए विधानसभा चुनाव में शिबू सोरेन के नेतृत्व में संथाल परगना में जेएमएम का जलवा बरकरार रहा। गुरुजी जामा से विधायक चुने गए और उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्होंने संथाल परगना नहीं छोड़ा। साल 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित विपक्षी गठबंधन के साझा उम्मीदवार के रूप में शिबू सोरेन दुमका से पुनः सांसद बने, जबकि राजमहल से झामुमो के ही साइमन मरांडी निर्वाचित हुए। वर्ष 1990 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना में झामुमो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वर्ष 1991 और 1996 में सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे। वर्ष 1998 में सोरेन दुमका में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी से पराजित हो गए।
इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिला, लेकिन न्यायालय ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। गुरुजी वर्ष 2002 में झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। मरांडी के 15 नवंबर 2000 को राज्य का मुख्यमंत्री बनने के कारण दुमका लोकसभा सीट रिक्त हो गई थी, लेकिन इस सीट पर उपचुनाव साल 2002 में कराया गया। एक बार फिर शिबू सोरेन दुमका सुरक्षित संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। इस उपचुनाव में झामुमो के सोरेन ने भाजपा के रमेश हेम्ब्रम को लगभग 94,000 से अधिक मतों से हराया था। वर्ष 2004 में एक बार फिर गुरुजी सांसद बने। साल 2009 के जनवरी में सोरेन तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में राजा पीटर से पराजित हो गए। इस कारण उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद वर्ष 2009 में ही लोकसभा चुनाव के साथ ही जामताड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ और दोनों में सोरेन विजयी रहे। सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा की सदस्यता बरकरार रखी। सोरेन अब तक 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री बने और तीनों ही बार वो लोकसभा के सदस्य रहते हुए ही मुख्यमंत्री बने। शिबू सोरेन फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं। हालांकि गुरुजी मीडिया से बहुत कम बात करते हैं, लेकिन न्यूज 11 भारत से उन्होंने खास बातचीत की थी, सुनिए उस बातचीत को। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन हैं, सीधे उनसे ही जुड़ते हैं। बाबा, क्या संदेश होगा, हमारा जन्मदिन है आपका, राज्यवासियों के लिए? देखिए, जन्म है तो हुआ है, सबका होता है, और राज्यवासियों को सब दिन हम यही कह रहे हैं कि अपना विकास के लिए, जैसे झारखंड राज्य हमारा है, देश के अंदर सबसे धनी राज्य है, लेकिन यहाँ के जनता गरीब है, इस पर सरकार का कोई विचार नहीं हुआ। यहाँ के जनता को, जनता के विकास के लिए खास सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, यानी करना चाहिए था, जबकि हमारा जागरण का खनिज से, यहाँ का पैसा से देश चलाने का ताकत रखते हैं, तो राज्य का विकास करने का ताकत नहीं है, लेकिन सरकारों ने ऐसा विचार नहीं किया। इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है, इच्छा शक्ति की कमी नजर आती है बाबा? इच्छा शक्ति की तो कमी है ही है, विरोध शक्ति का ज्यादा नहीं करेंगे। इच्छा शक्ति तो मान लिया कि कर रहे हैं ना कर रहे, स्पेशल नहीं करने का जो कार्यक्रम आता है, यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो। बाबा, जब आप राजनीति शुरू किए और अब जो मौजूदा वक्त है राजनीति का, चीजें कितनी बदली नजर आती है, अब तो व्यक्तिगत आक्षेप भी बहुत लगते हैं, क्या कितना बदलाव नजर आता है आपको? देखिए, बदलाव तो बहुत कुछ हुआ, कम नहीं हुआ। लोग गांव से बाजार शहर नहीं आते थे, लोग खास करके आदिवासी लोग इतना उपेक्षित थे, जिनको कोई पूछता भी नहीं था, और एक पूछाने कहाँ जाएंगे, बेचारे मजदूरी करके जीते थे, और इनका महाजनी में सब कुछ छीन लिया गया था, इनका जमीन खेत और इतना कमाए रोजगार सब महाजन के हाथ में, हम इनके खिलाफ लड़ाई किया और महाजन को भगाया, सारे जमीन को वापस कराया, लोग आज़ाद हो गए, आज खेती बाड़ी करके मस्त करके खाते रहते हैं। मौजूदा वक्त में बाबा, एक आखिरी सवाल है, झारखंड को कहाँ देखना चाहते हैं आप आने वाले दिनों में? देखिए, आने वाले दिनों पर तो हम क्या, सबको चाहता है कि अच्छा दिन आए, घर का विकास हो, हर बार बच्चों को पढ़ाई लिखाई हो और उनको रोजी रोजगार मिले। जब हम बाहर से झारखंड के लोग बाहर का विकास करता है, बाहर के लोग यहाँ के धन से विकसित होते हैं, तो हमारे झारखंड क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, अपने जन्मदिन पर अपने पुराने अनुभवों को याद भी किया और झारखंड के लिए कई नए सपने भी देखे। न्यूज 11 भारत गुरुजी के लंबी उम्र की कामना करता है।
हम चाहते हैं कि झारखंड के गुरुजी हमारे गुरुजी सेहतमंद रहें और हमेशा खुश रहें और उनका मार्गदर्शन झारखंड वासियों को अनंत काल तक मिलता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। दिशम गुरु शिबू सोरेन झारखंड सरकार के सरकारी गजट में कहीं भी आंदोलनकारी के रूप में वर्णित नहीं है। जनश्रुतियों में भले ही गुरुजी महान क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं, क्यों है ऐसा, जानिए इस रिपोर्ट में। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन उन पर लिखी गई किताब के विमोचन के साथ ही ऐतिहासिक हो गया, मगर एक हैरान करने वाली खबर हम आपको देते चलते हैं। सरकारी दस्तावेजों में, विशेषकर झारखंड सरकार के गजट में, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम किसी क्रांतिकारी के रूप में दर्ज नहीं है। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने आंदोलनकारियों के चयन के लिए एक आयोग का भी गठन किया था, मगर पता नहीं क्यों गुरु जी का नाम उसमें नहीं जोड़ा गया। तो ऑफिशियली अभी तक गृह कारा एवं आपदा विभाग जांच आयोग बनी है, उसके द्वारा जो गुरु जी का अभी तक चयन झारखंड आंदोलनकारी के रूप में नहीं हुआ है। अगर झारखंड आंदोलनकारी के रूप में गुरु जी का, माननीय शिबू सोरेन जी का ऑफिशियली अगर झारखंड आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता है तो ये दिक्कत वाली बात होगी। जनश्रुति में है वो गुरु जी आंदोलनकारी हैं, हर व्यक्ति जानता आंदोलनकारी, उनको चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले। दिशोम गुरु पर एक साथ तीन किताबें लिखने वाले अनुज सिन्हा कहते हैं कि गुरु जी हुल आंदोलन के बाद सबसे बड़े झारखंडी महानायक हैं और दुनिया उनको इस किताब को पढ़कर पीढ़ियों तक याद रखेगी। कोई दौरा नहीं कि शिबू सोरेन का संघर्ष जो हुआ है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है, बस एक लाइन में काफी है, तभी तो लोग दिशोम गुरु कहते हैं। दिशोम गुरु दूसरा नहीं है दुनिया में, दिशोम गुरु एक है, मराम गोम के एक है, धरती आबा एक है, धरती आबा बिरसा मुंडा, मराम गोम के जयपाल सिंह, दिशोम गुरु शिबू सोरेन। अधिकृत छात्र नेता के रूप में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का दौरा कर चुके तनुज खत्री ने बताया कि गुरु जी और उनके आंदोलन संबंधी दस्तावेज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस विभाग तक में सहेज कर रखे गए हैं। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है वहाँ का, देश का कोई परिचय का मोहताज नहीं है, वहाँ के म्यूजियम में बाकायदा ना सिर्फ गुरु जी के बारे में कई एक लेख शोध, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारा पार्टी का झंडा है झारखंड मुक्ति मोर्चे का, उसको वहाँ पे सजा करके रखा। तो वो झारखंड को अगर जानते हैं तो वो गुरु जी के पर्यायवाची के रूप में जानते हैं। इतिहास की बुनियाद सरकार का गजट भी हुआ करता है, जिसमें सच्चे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों का जिक्र लिखने की जिम्मेदारी भी एक जिम्मेदार पदाधिकारी को दी जाती है। आखिर किसने, क्यों और किन हालात में गुरु जी का जिक्र गजट में अब तक दर्ज नहीं किया है, उससे इस बाबत पूछताछ तो जरूर होनी चाहिए। कैमरामैन देवाशीष के साथ शाहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत, रांची।